Hi everyone, a happy Independence Day and a happy Feast of Our Lady of Assumption. आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ a traditional recipe which is prepared on this day. और ये एक ट्रेंड है कि आज का दिन ये स्वीट तो हर घर पे बनता ही है और वो है हल्दी पत्ते में बनाया हुआ चावल और गुड़ का स्वीट. In Konkani we say हल्दी कोलेचो पातोलियो. The sweet is made of fresh turmeric leaves, jaggery, raw rice and fresh grated coconut. तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी. ये स्वीट बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप रॉ राइस, 2 कप ग्रेटेड नारियल और 1 कप गुड़ दैट इज जैगरी और 1 टीस्पून इलायची पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और हाँ हल्दी के पत्ते. पहला हम चावल का बैटर बना देंगे. ये जाड़ा भी नहीं है, लिक्विड भी नहीं है, सेमी लिक्विड होना चाहिए और नमक के साथ इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे. राइस बैटर तो तैयार हुआ है. अब हम स्टफिंग रेडी करेंगे. इसमें मैं ले रही हूँ 2 कप नारियल, गुड़ और साथ में इलायची पाउडर मिक्स करेंगे. आपको चाहिए तो इसमें पोहा भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है. स्टफिंग तो रेडी हो गया है. हियर विल स्टार्ट आवर सेकेंड लास्ट प्रोसेस ऑफ मेकिंग पतोली. पत्ते के ऊपर ऐसे बैटर को अप्लाई करेंगे एंड उसके ऊपर 1 या 2 स्पून स्टफिंग डाल के पत्ते को ऐसा फोल्ड करेंगे. सेम पैटर्न में हम सब पत्ते को ऐसे ही अप्लाई करके पतोले बना के रख देंगे. एक्चुअली ये स्वीट बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेंथी प्रोसेस तो नहीं है. डिपेंड ऑन हाउ मेनी स्वीट डिश यू वुड लाइक टू हैव. वी कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पतोली. ये हम अभी स्टीमर में स्टीम करेंगे और उसके ऊपर एक के ऊपर एक डाल के 15 से 20 मिनट तक पकाने के लिए छोड़ देंगे. आर डिलीशियस पतोलीज आर रेडी. देखिए लीफ का कलर चेंज हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ ऑलरेडी डन कुक्ड. एंड लेट्स ओपन द लीफ. यू कैन सी नाइस टेक्सचरस काम and it looks sweet also as well as it is delicious to eat. Very simple and sweet dish of patoli is ready to serve. आपको ये रेसिपी पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए and please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. Thank you for watching and wishing you a great day ahead. See you soon in next video. Cook and Bake with Kavita.